हेलो हाय दोस्तों, अभी हम लोग असम के डिमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट के हरंगा जाओ में घूम रहे हैं हम लोग। और यहाँ पे आप लोगों को मैं दिखाना चाहूँगा कि यहाँ के ऐसे वेदर हैं। मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि ये दिखाएं हमारे जो सुपारी के गाछ हैं छोटे छोटे, ये तो यहाँ का है। और यहाँ का मौसम कहाँ ये एकदम शिमला की तरह मौसम रहता है। यहाँ पे अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर तक ऐसी मौसम देखने को मिलती है और सबसे ठंडा वेदर है। जैसे कि हमारे यूपी बिहार में देखे जाते हैं कि बहुत सारी गर्मी पड़ती है अभी इसी सीजन में, लेकिन हम लोग यहाँ इतने आनंद उठाते हैं, इतने अच्छा लगता है कि हम लोग को गर्मी की कोई एहसास नहीं होती है। और ये सब मौसम देखने के लिए अगर आपके पास समय है तो आप आके यहाँ पे देख सकते हैं। इसके लिए मैं आप लोगों को वेलकम करता हूँ हरंगा जाओ में। थैंक यू। अभी हम लोग बाज़ार जाएंगे और बहुत अच्छा लोकेशन है यहाँ का। हम लोग देख दोस्तों, लोकेशन तो ठीक है लेकिन रोड खराब लोकेशन तो ठीक है लेकिन रोड के बारे में क्या कहना है? रोड बहुत खराब है कि हालत अभी थोड़ी जर्जर है बारिश के वजह से, बट इसमें अंडर कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है और हमें लगता है कि एक साल के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। कुछ यहाँ पे लैंड के लेके इशू चल रहा है जो अंडर प्रोसेस ही है। जैसे ही इन्फॉर्मेशन आती है मैं सबसे पहले देख रहा है बिनो, अंग्रेजी बोल बोल के कैसे बात को घुमाया जाता है सड़क तो बड़का भारी बात है भैया। जिनका जमीन है रोड में गया है उनको कुछ पैसे वगैरह बाकी है, इसके वजह से ऑब्जेक्शन लगा हुआ है। बट थोड़ा ही दूर रोड बाकी है, बाकी जगह में कंप्लीट हो गया है। जैसे थाना के उस साइड में कंप्लीट हो गया है आपका, यहाँ तक मैं देखा हूँ जाके बदरपुर तक कंप्लीट है, सिलचर तक। और इधर में भी थोड़ा टाइम हुआ है, दूर थोड़ी थोड़ी बाकी है। कौन सी नदी बह रही है ये बताइए? जटिंगा रिवर है। जटिंगा रिवर है और इसके बहुत सारे सहायक नदियां हैं जो डाकू नाला के नाम से जाने जाते हैं। सामने में आप देख सकते हो यहाँ से एक नदी गई हुई है, बहुत सारे छोटे छोटे नाले आके इसमें मिले हुए हैं और ये जटिंगा रिवर के नाम से जाना पूरा कश्मीर लग रहा है ना। यस, ये खतरनाक बंदे M4 है वो है। क्या है M4? नमस्कार, ये हमारे दीदी लोग हैं यहाँ के लोकल। आप लोग डिमासा लोग हैं? और बाजार आने में कैसा लग रहा है? अरे बहुत बढ़िया, मजा आ गया यार। बाजार के रास्ते बहुत दिल गदगद हो गया है। दिखाएं सुपारी गाछ को नजदीक से, और ये सुपारी की गाछ है, बच्चा गाछ है, रास्ते में है। हम लोग रास्ते में, यहाँ सुपारी बहुत होता है, इसको यहाँ बोलते हैं तामूल। तामूल का नया बागान है, बच्चे हैं, नर्सरी लगाए हुए हैं। उसके बाद ये बड़े बड़े होंगे तो इसलिए तामूल के बड़े पसंद होंगे। हरंगा जाओ पोस्ट ऑफिस है जी, इसके बारे में बताइए कुछ। ये हरंगा जाओ का मतलब महारानी का जो है स्टैचू है, और ये अच्छा लगता है कि बनने से लगने से बहुत ही लुक चेंज हुआ है मार्केट का, वरना पहले यहाँ लगता नहीं था कि मार्केट भी है। ये चमत्कारी प्रिंसेस बताते थे इन्हें, ऐसा बोला जा सकता है बट सही है। अनारस ले रहे? ये तो हमको 40 में देने से लेगा, आप लेगा। एक तो कोई लेगा, हमको अच्छा लगता है। आप लोग का तो घर का है ना, तो आप लोग हम लोग से थोड़ा कम दाम लीजिए। होगा होगा, ले पैसा।
जय भोले जय भोले।